नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एनर्जी सेक्टर के बारे में। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है ग्रीन एनर्जी से लेकर, तो उस पर एनर्जी सेक्टर के शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा, स्पेशली सीएससी के शेयर, एनटीपीसी और अडानी ग्रीन के शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, उस खबर का विश्लेषण करेंगे और साथ ही दोस्तों टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं और उसके साथ हमें दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चर्चा स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे चलते हैं चार्ट पे, चार्ट चेक भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी जरूरी चीज जो ये है चार्ट चेक करने से पहले, कि हमें सीएससी का चार्ट देखें और सभी चीजों का चार्ट देखें, उससे पहले एक चीज जरूरी दोस्तों ये है कि हम लोग एनएससी का डेटा विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अडानी ग्रीन का डेटा देखते हैं, आज के डेटा ट्रेडिंग सेशन में क्या रहा। तो दोस्तों, पी तो देखिए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप दोस्तों देखते हैं तो ये शेयर हमेशा एक काफी अच्छे रेंज में बना रहता है और हमेशा कोई ना कोई न्यूज में बना रहता है, जिसकी वजह से इसमें एक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। तो ओवरऑल दोस्तों 52% की डिलीवरी है, यहाँ पे 2 लाख ट्रेडेड वॉल्यूम रहे और 21% का यहाँ पे रिस्क है। यहीं पे दोस्तों दूसरा शेयर है, कह सकते हैं एनटीपीसी का। एनटीपीसी में 80 लाख वॉल्यूम ट्रेडेड हुए, जिसमें से 52 भी खाई से दोस्तों काफी करेक्ट भी हो चुका 152 के और 131 पे। और इसका पी देखिए दोस्तों, तो सेक्टर का जो पी है उसे काफी कम है, 9 सेक्टर का है और यहाँ पे 18 सेक्टर का 18 है और यहाँ से जो एनटीपीसी का पी है वो 9 के पी पे काम कर रहा है। तो 40% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है, रिस्क रिवॉर्ड का रिस्क काफी कम है 15% का। वही दोस्तों तीसरा शेयर है सीईएससी, इसका भी पी दोस्तों सेक्टोरियल पी जो है उससे काफी कम है। यहाँ पे 1,31,00,000 वॉल्यूम ट्रेडेड रहे, जिसमें से 52 वीक हाई 102 रुपए से लगभग 10% का करेक्शन भी आ चुका है, 34% की डिलीवरी रही और दोस्तों 17% का रिस्क है। तो ओवरऑल दोस्तों तीनों ही शेयर काफी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। अब चलते हैं जरा न्यूज की तरफ, न्यूज क्या थी। न्यूज यहाँ पे दोस्तों ये है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है 12,000 करोड़ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए और उसमें ये क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इंडिया प्लान टू जनरेट 500 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी खबर कह सकते हैं, और जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो की प्लेयर्स हैं उसमें कह सकते हैं कि एनटीपीसी और कह सकते हैं कि अडानी ग्रीन एक काफी बड़ा रोल प्ले करेगा और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एनटीपीसी का काफी झुकाव है। तो यहाँ से डेफिनेटली दोस्तों एनटीपीसी का शेयर भाग सकता है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ से एनटीपीसी के लिए काफी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। अब अगर हम दोस्तों चार्ट पे चेक करें तो चार्ट पे सीएससी का शेयर देखिए दोस्तों, तो मैं आपको ड्रॉ करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि सपोर्ट जो है सीएससी का वो लगभग ये लेवल है 80-81 रुपए के आसपास, और आज इसने दोस्तों रेजिस्टेंस का ब्रेक किया। पहला जो रेजिस्टेंस था की था 90 रुपए के आसपास, 90 रुपए 40 पैसे का, उसके ऊपर ही क्लोज होने में कामयाब रहा। तो दोस्तों अगला जो पड़ाव होगा यहाँ से 99 to 100 रुपीज हम लोग लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको जो स्टॉप लॉसेस लगाने हैं वो 81-80 रुपीज के लगाने हैं और टारगेट प्राइस यहाँ से 100+ के आप लेके चल सकते हैं। ऑलरेडी इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। वहीं पे दोस्तों दूसरा शेयर अगर हम देखें एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी के शेयर में देखिए दोस्तों क्या रुझान रहता है। यस, एनटीपीसी का यहाँ पे देखिए दोस्तों तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये मैं आपको ड्रॉ करूं तो क्लियर पिक्चर नजर आएगी। ये दोस्तों यहां से वॉल्यूम कैंडल बननी स्टार्ट हुई थी, ये एक बेस है लगभग 112 रुपए के आसपास है। यहां से इसने लगातार हायर वॉल्यूम लेके गए और 150 तक के टारगेट इसने अचीव किया, वहां से एक डिसेंट करेक्शन जोन में है और इसने एक सपोर्ट लिया यहाँ पे 120 रुपए के आसपास, जहां से इसका दूसरा पड़ाव था। तो ओवरऑल दोस्तों देखें तो 120 का एक स्टॉप लॉस अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो 112 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। और यहां से दोस्तों हम लोग जो पहला टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए लेके चल रहे हैं वो ऑलरेडी दोस्तों यहां से ब्रेकआउट दे दिया है, तो अगला जो टारगेट होगा वो इसके आसपास ही नजर आता है,
यहाँ पर हम लोग 140 के आसपास के टारगेट लेके चल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर 120 का स्टॉप लॉस, 140 के टारगेट, लॉन्ग टर्म ट्रेडर 112 के स्टॉप लॉस और 150 के टारगेट को एम कर सकते हैं। वहीं दोस्तों तीसरा शेयर अगर हम देखें अडानी ग्रीन की बात करें तो अडानी ग्रीन भी एक बुलिश ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहां से 1300 का एक स्टॉप लॉस ले के चल सकते हैं। लगभग इसका जो बेस फॉर्मेशन हुआ है लगभग 1300 के ही आसपास हुआ है, तो 1300 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और अगला जो टारगेट यहां से नजर आता है दोस्तों 1477, यानी कि हम 1500 को भी क्रॉस कर जाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहां से दोस्तों 1300 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए 1500 के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए। वही दोस्तों जो लॉन्ग टर्म का इसका बेस है वो यहां से फॉर्मेशन हुआ था, ये लगभग 1090 का जोन है। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए 1090 के स्टॉप लॉसेस के साथ अपसाइड 217-1800-2000 के लेवल भी हम लोग इसमें आते हुए देख सकते हैं। तो ओवरऑल शेयर बहुत ही बढ़िया है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों टर्म के लिए हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। न्यूज काफी पॉजिटिव है, ऑलरेडी एनएससी का डेटा भी अच्छा है, कैबिनेट अप्रूवल भी हो चुका है। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।